Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 Math Algebraic Expressions. अब इसमें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेटिव वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये दो रूल स्टूडेंट्स बताए गए हैं, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइंस, अगर कोई दो फैक्टर है उनके साइन लाइक है, ठीक है, मतलब एक जैसे हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उसका जो प्रोडक्ट है या उसका मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी देखिए हम प्लस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और हम माइनस और माइनस अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर दो डिफरेंट साइन, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक रूल ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, इफ ए इज एनी वेरिएबल एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए कोई वेरिएबल है जैसे एक्स वाई कुछ भी और एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। यानी अगर किसी नंबर के ऊपर देखिए जैसे ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है ए की पावर 3, तो इनके बेस सेम है तो पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, एड हो जाएगी, ए की पावर 5 आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, चूंकि इसमें यही चीज आएगी और कुछ नहीं है, तो इस तरीके से इसको करना है, देखिए जैसे ये है एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5, तो इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, एक्स की पावर 8 आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से इस चीज़ को आपको समझना है, बेसिक चीज़ है, चूँकि साइन में अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है, जिनमें केवल एक ही टर्म है, यानी दो मोनोमियल है, ठीक है, जैसे एक मोनोमियल ये है एक मोनोमियल ये, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट है उनके इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट, वो उनके कोफिशिएंट के इक्वल होता है, ठीक है, और द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन मोनोमियल्स। मतलब इसका ये है, देखिए कि 6ab और मान लीजिए हम 4b का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कोफिशियंट्स हैं, ये क्या है, ये कोफिशियंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे वेरिएबल हैं। तो अब हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ गया, 6 का और 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के साइन सेम है। अब इसके बाद जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या है, ए का ए बी और बी का मल्टीप्लाई करोगे, ये है ए बी और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए ऐसा ही रहेगा, अब देखिए यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 1 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो ए बी की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये मान लीजिए एक एग्जांपल, ये देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो पहले कर दीजिए आप कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो 5 7 35, तो ये आ जाएगा 35। अब ये की देखिए ए यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो ऐड होकर के पावर ए की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ बी की पावर 2 है और यहाँ बी की पावर 1 है, तो बी की पावर 3 आ जाएगा, सी की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो सी की पावर 4 आ गया, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से उसको करना है, चाहे जिसमें हो। अब देखिए जैसे ये फोर्थ वाला है, ठीक है, -8/5 इंटू -3/4, पहले कोफिशियंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइक साइन के हैं, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हो जाएगा 24/20, ठीक है,
इनका मल्टीप्लाई कर दी। अब चूंकि ये कैंसिल हो रहे थे कि फोर से, ठीक है फोर, तो ये आ गया सिक्स अपॉन फाइव, तो ये आ जाएगा सिक्स अपॉन फाइव कोफिशियंट का मल्टीप्लाई। अब ए स्क्वायर का ए में कर दीजिए तो ए की पावर थ्री आ जाएगा, बी का बी स्क्वायर में कर दीजिए बी की पावर थ्री आ जाएगा, सी क्यूब का सी में कर दीजिए सी की पावर फोर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज हमें करनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका हमें फाइंड द प्रोडक्ट्स, तो पहले वाले में क्या है देखिए, कोफिशिएंट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थ्री एट जा कितना आएगा 24, यहीं पर आ जाएगा ये, और ए स्क्वायर और ए की पावर फोर, तो ये आ जाएगा ए की पावर सिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस का है, ये माइनस का साइन लगा है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। अगर दो डिफरेंट साइन है तो वो माइनस में ही आएगा, और अगर दोनों के साइन सेम है तो प्लस में आएगा। सिक्स फाइव या थर्टी, ठीक है। अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी पावर थ्री इसकी पावर टू है, तो इसको ऐड कर देंगे तो एक्स की पावर फाइव आ जाएगा, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का देखिए, अब देखिए दोनों की साइन सेम है, ये माइनस का फोर है ये माइनस का थ्री है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, नहीं समझ में आ रहा तो मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूँ, थ्री ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, तो ये हो गया ट्वेल्व। अब देखिए ए की पावर यहाँ वन है और ए की पावर टू है, तो पावर ऐड हो जाती है, थ्री आ गया। अब यहाँ बी है यहाँ बी है, तो दोनों की पावर वन है टू आ गया, तो ये आ गया ट्वेल्व ए क्यूब बी स्क्वायर सी। इस तरीके से करना है। ऐसी फोर्थ वाले में देखिए, माइनस थ्री और टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस सिक्स ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो ए की पावर फाइव आएगा, बी क्यूब और बी, तो बी की पावर फोर आएगा, तो इसका आंसर ही है, ठीक है। फाइव वाले में क्या है देखिए, टू अपॉन थ्री और थ्री अपॉन फाइव, तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया टू अपॉन फाइव। अब इनका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स की पावर वन, यहाँ वाई की पावर वन, तो एक्स की पावर टू और एक्स की पावर वन का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर थ्री आएगा, और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की पावर थ्री आएगा, तो ये फिफ्थ हो गया। ये सिक्स करना है स्टूडेंट, देखिए माइनस थ्री अपॉन फोर, ये इसका मल्टीप्लाई करना, तो मैं पहले माइनस थ्री अपॉन फोर और माइनस टू अपॉन थ्री ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी की पावर सेवन, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर वन है यहाँ पर टू है, यहाँ बी की पावर थ्री बी की पावर फोर। अब देखिए ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, इस टू से इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और माइनस दोनों के साइन लाइक हैं एक जैसे हैं, तो इसलिए प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई टू ए की पावर थ्री बी की पावर सेवन, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है ये आपकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज सिक्स बी है, ठीक है। सिक्स ए हम पहले डाल चुके थे, एक्सरसाइज ये सिक्स बी होगी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे। अब देखिए सेवन एट नाइन, ठीक है, तो इसी तरीके से इनको करना है स्टूडेंट। देखिए पहले सबसे पहले आप कोफिशियंट, ठीक है, वेरिएबल के अलावा जो लिखा है वो कहलाता है स्टूडेंट कोफिशियंट, ठीक है। फिर ए स्क्वायर और ए क्यूब, देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए की पावर फाइव, ठीक है। फिर बी स्क्वायर और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी की पावर थ्री, यहाँ पे सी है नहीं बस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको कंप्लीट कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, नाइन से इसको कैंसिल कर दीजिए, नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन, तो ये आ गया वन अपॉन सिक्स ए की पावर फाइव बी की पावर थ्री सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब एट में देखिए माइनस थर्टीन अपॉन फाइव इंटू सेवन अपॉन थ्री, ठीक है, अनलाइक साइन है। अब देखिए यहाँ ए की पावर वन है और ए स्क्वायर है, तो ए की पावर थ्री बी स्क्वायर और बी, तो बी की पावर थ्री सी और सी स्क्वायर, तो सी की पावर थ्री, ठीक है। देखिए तिरसठ इक्यानवे, ठीक है, तो माइनस, क्योंकि इनके डिफरेंट साइन है
इसलिए माइनस में आएगा, और ये हो गया 15। बस इसके बाद ये सही है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, इस तरीके से करना है स्टूडेंट, और कुछ नहीं है। 9 में क्या दीजिए, 9 ऐसे कर दीजिए, माइनस 18 अपॉन 5 इंटू माइनस 25 अपॉन 6। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर जेड इंटू एक्स जेड स्क्वायर वाई। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 या 25, 6 3 या 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के लाइक साइन है यानी सेम साइन है, तो 5 3 या 15 प्लस में आएगा। अब देखिए इनकी पावर ऐड कर दीजिए, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 लगा दीजिए, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3, ये 15 लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लिखा है 15। ठीक है, एक्स क्यूब फिर आ जाएगा जेड की पावर 3 वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। सर देखिए ऐसी 10 करना है 11 करना है, तो अब हम डायरेक्ट करके आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये 7 से इसको काट दीजिए तो ये 2 आ गया, इस 3 से इसको काट दीजिए तो ये 2 आ गया। अब देखिए कितना है, ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस में आएगा, तो ये हो गया 1/4। अब यहाँ पे एक्स की पावर 1 है या एक्स की पावर 3 है, ठीक है नहीं दो, हाँ ठीक है, ये अपॉन का साइन है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5। सीधे सीधे क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कोई झंझट वाला काम नहीं है। ऐसी देखिए 11 आप कर दीजिए, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 हो या 4 हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, बस और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखिए इनके साइन जो है ये सेम साइन है, देखिए ये नेगेटिव साइन है यहाँ नेगेटिव साइन है, तो दो साइन जो है नेगेटिव है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अब देखिए 3 या 9 और 9 7 या 63, तो ये आ जाएगा 63 और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 या 25 बस। अब देखिए x की पावर 2 फिर है 1 और फिर है 3, ठीक है, तो x की पावर कितना आएगा 2 3 और 3 6, x की पावर 6, y की पावर देखिए यहाँ 1 और यहाँ पे 2, 3 और 3 6, तो ये आ गया 63 अपॉन 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये x की पावर 6 y की पावर 6, फिर देखिए 12 13, सब ऐसे ही करना है स्टूडेंट। ठीक है, ये तीन वाले हों तो 6 वाले में कोई मतलब नहीं, आप तो अपना काम करिए, नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले देखिए 2 -5 और -6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनकी पावर ऐड करके लिख दीजिए, ए की पावर पहले 2 है फिर 1 है, ठीक है, और फिर कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है, तो ये आ गया। अब देखिए बी की पावर कितनी, यहाँ 1 है फिर इसके बाद 2 है फिर इसके बाद 1 है। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो आप उसको जैसे अभी तक बता रहे थे वैसे कर दीजिए बस। अब इनका नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए दो लाइक साइन है, तो ये आ गया 56, ये आ गया 60, ए की पावर 3 बी की पावर 4 और सी की पावर 3। ठीक है, तो 12 का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको लिख करके आपको करना है। ठीक है, 13 आप ये वाला आप अपने आप करिएगा। ठीक है, 14 हम आपको बताए दे रहे, तो देखिए पहले इनका कर दीजिए -3 की पावर 5, 15 की पावर 7 और 7/9 ये आ गए। ठीक है, अब देखिए s की पावर लिख दीजिए, पहले 2 है फिर 1 है फिर 1 है, ठीक है, फिर इसके बाद है t, तो t की पावर पहले 1 है फिर 2 है, ठीक है, फिर u की पावर देख लीजिए, तो u की पावर 1 है और फिर 2 है। ठीक है, अब देखिए 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल कर दीजिए 3, ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 और 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3, तो बस ये आ गया माइनस s, ये s है स्टूडेंट, s की पावर 4 t की पावर 3 और u की पावर 3 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद
इसी तरीके से 15 करना है, तो 15 आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स आपके